वेलकम टू अंजना खान की किचन। मॉम क्या बन रहा है आज? हम ऑथेंटिक गुजराती तुवेर की दाल बनाते। अच्छा, ये देखो, ये इसको तूर दाल भी बोलते हैं, तुवेर दाल भी बोलते हैं लोग, कोई अरहर की दाल भी बोलते हैं। ये एक कप है, मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ओके, अच्छे से, एकदम अच्छे से बॉईल किया है। थोड़ा सा भी दाना रह जाए तो इसको ब्लेंड कर लेना है। मसाला कैसे करना है वो बताएंगे। सबसे पहले ये पीनट है, मूंगफली के दाने हैं, 5 मिनट इसको पानी में मैंने भिगो दिया था, वो डाल देंगे। अदरक मिर्ची है, 2 मिर्ची है और छोटा 1 इंच का टुकड़ा अदरक है, वो भी इसमें डाल देंगे। गुड़ है 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी है, हल्की सी रेड चिल्ली पाउडर है। ये सबको हम अच्छे से उबालेंगे। ओके, उसके बाद इसका तड़का करेंगे, मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा उबाल आने पर ये स्टार फूल है। ओके, ये थोड़ा सा डालेंगे। दालचीनी और गुजराती में तज बोलते हैं इसको, वो डाल देंगे। फिर थोड़ा सा अच्छे से उबलने देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो इसमें आ जाए। ओके, देख एकदम अच्छे से उबल चुकी है दाल। हाँ जी, अब हम इसका तड़का करेंगे। तड़के के लिए एकदम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, उसके साथ 1 चम्मच तेल डालेंगे, बराबर गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, इतनी सी राई डालेंगे, आधी चम्मच से थोड़ा ऊपर जीरा डालेंगे, 4 से 5 लौंग है, रेड चिल्ली है 3-4, फ्रेश करी पत्ता है। देख लौंग अच्छे से फूट चुका है, एकदम ऐसा हो जाए तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। एक मीडियम टमाटर लिया है, मिक्स कर लेंगे। अब ये उबली हुई जो दाल है वो इसमें डाल देंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 लेमन का जूस है, धनिया पत्ती डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। ऑलरेडी दाल उबली हुई है, अब एक उबाल आना है, जब तक नमक इसमें पिघल जाए उतना ही। ओके, आप चाहे तो लेमन की जगह पे इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। ओके, एकदम मस्त एक उबाल आ चुका है। इस टाइम पे थोड़ा सा कोकोनट का पाउडर है, ढेर सारी धनिया पत्ती है। वाव, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए, हमने ये दाल एकदम ढाबा स्टाइल वाली आलू वाली सब्जी के साथ सर्व किया है, साथ में फाफड़ी है, रोटी है, थोड़ा सा गुड़ घी है, छाछ है गुजराती स्पेशल, और राइस है। एकदम देसी स्टाइल गुजराती ऑथेंटिक थाली, भरपूर मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ जी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।